दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मियों की बहुत ही ज़्यादा खास रेसिपी। बहुत ही खास तरीके का शरबत है ये, और पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा, टेस्टी के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और आप इन गर्मी में अपने घर पर ज़रूर बनाइए। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर देरी ना करते शुरू करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। हेलो दोस्तों, मैं हूं लवली, आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक विद लवली में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है ताज़ा फ्रेश पुदीना। तो ये हमने 1 कप लिया है, और अच्छे से हमने इसको धोकर साफ कर लिया। और अब हम लेंगे ये मिक्सी का जार, इसी में हम जो सारा पुदीना का पत्ता है वो इसी में डाल देते हैं। इसका डंडल हमें नहीं डालना है, पूरा साफ कर लेना है। और फिर इसमें जाएगा 1 जो नींबू है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम इसको ग्रेट करके डाल देते हैं। तो अभी इसमें हमें जो अंदर का रस होता है नींबू का वो अभी नहीं डालेंगे, ओनली हमें जो ऊपर का जो येलो वाला पार्ट है वो हम इसको ग्रेट करके डाल देते हैं। तो मैंने इस बाउल में ग्रेट कर लिया था, वे डाल देते हैं हम नींबू का ऊपर वाला पार्ट। और देखिए नींबू इस तरीके का हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, और फिर इसका अच्छा सा हम एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने फाइन इसका पेस्ट बना लिया है, देख सकते हो आप, बिल्कुल अच्छा सा हमारा जो पुदीना का पेस्ट है वो बन के हो गया है तैयार। अब इसमें हमें डाल देना है फिर से 1/2 कप पानी, और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब इसको हमें छानना है, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा फैट हो वो अलग हो जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमने अच्छे से पुदीना को छान लिया, इस तरह जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो अलग कर देते हैं। और देखिए पुदीना का अच्छा से एकदम फ्रेश जो जूस है वो बन के हो गया तैयार। तो अब चलिए हम बना लेते हैं इसका शरबत। पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे पुदीना का। तो जो हमने पुदीना का जूस था वो हम एक कढ़ाई में डाल देते हैं, और फिर इस कढ़ाई में जाएगा 1 कप भर के चीनी। तो दोस्तों कुछ इसमें हम मसाले डालेंगे, जिसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच काला नमक डाल देते हैं, और फिर उसके बाद जाएगा इसमें 1/2 चम्मच से भी कम काली मिर्ची का पाउडर। और फिर इसमें हमें डाल देना है 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा भुना जीरे का पाउडर, और डालेंगे इसमें हमें चाट मसाला हमें डालना है 1/2 चम्मच। अब हम लेंगे यहाँ पर साइट्रिक एसिड, बिल्कुल हम इसको थोड़ा सा डालेंगे, 2 पिंच इतना, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। बस इसको इसलिए डालें क्योंकि हमें ये ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखना है, 4 से 5 महीने तक जो हम साइट्रिक एसिड डाला है उसे चल जाएगा। और अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो आप जो विनेगर आता है वो चाइनीज़ फूड में डलता है, वो भी आप 1 टेबल स्पून भर के डाल सकते हो। और अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा कलर आने के लिए ग्रीन फूड कलर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी हो तो डालें, नहीं तो पूरी तरह आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बिल्कुल 1 पिंच इतना डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें पहले से ही पुदीना का कलर हैगा। तो अच्छे से हम सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब इसको हमने गैस पर रख दिए कढ़ाई को, गैस की फ्लेम अभी हमें हाई पर रखना है। हाई फ्लेम पर इसको हमें पूरा सा मेल्ट होने तक जो चीनी है उसको पका लेते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी चीनी है पूरी तरह मेल्ट हो गई, और इसमें जो उबाल आना स्टार्ट हो गया। तो अब हमें कर देना है गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर, उसको हमें पकने देना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा जो शुगर सिरप बनाया है पुदीना का वो एकदम थोड़ा सा थिक हो गया है, और देखिए इसमें झाग भी अच्छे से आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो शुगर सिरप है बन के हो गया है तैयार। तो आप कर देना हमें गैस की फ्लेम को ऑफ,
और इसको हमें थोड़ा सा ठंडा हो जाने देना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो पुदीना का शुगर सिरप है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब हमें इस समय इसमें डाल देना है नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पर एक नींबू लिया था, उसको अच्छे से निचोड़ लिया है, तो एक नींबू का रस है पूरा। तो ये हम डाल देते हैं इस शुगर सिरप में और फिर अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं। और इसको हमें किसी कंटेनर में रख कर इसको हमें पूरा अच्छे से चील्ड हो जाने तक कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक लेंगे पतीला और इस पतीले में हम डाल देते हैं आधा लीटर पानी। तो हमें ये पानी है बिल्कुल एकदम चील्ड लेना है, तो आधा लीटर हमने इसमें पानी डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप पिसी हुई चीनी। अब इसमें हमें डाल देना है 2 से 4 पुदीने के पत्ते। इस तरीके से हमें पूरा छोटा छोटा करके डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा जो हमारा शरबत है उसमें फ्लेवर आएगा और अच्छे से हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। जो हमने चीनी का पाउडर लिया था पानी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है सभी चीज़ों को। तो अब हम यहाँ पर लेंगे जो हमने पुदीना का शुगर सिरप बना के तैयार किया था वो लेंगे, तो वो हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून। और फिर अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर लेंगे सब्जा के बीज। तो मैंने 1 टेबल स्पून सब्जा के बीज लिए हैं, थे उसको मैं पानी में सूख करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दिए थे, तो अच्छे से सूख हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच और फिर अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ये सब्जा के बीज हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे कोई फ्लेवर वगैरह नहीं आते, बस देखने में अच्छे लगते हैं और फ़ायदेमंद भी होता है। तो अच्छे से हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब। दोस्तों आप जब सर्व करें तभी इसमें आइस क्यूब डालें, नहीं तो जो हमारा शरबत है वो थोड़ा मीठा कम होगा, इसलिए जब सर्व करें तभी डालें। तो अब मैं सर्व कर रही हूँ, तो मैंने अभी आइस क्यूब डाल दिए हैं। तो अब चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। एकदम हमारा ठंडा ठंडा चील्ड हमारा पुदीना का शरबत हो गया है बनके तैयार। दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही पीने में टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। अपने घर पर आप ज़रूर बनाइए इन गर्मियों और ठंडा ठंडा आनंद लीजिए। तो दोस्तों अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को यहीं समाप्त करते हैं, अगली अच्छी से मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।